my first vlog about solar. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं आपको दिखा रहा हूँ गांव की खूबसूरती और उसके साथ साथ आपको हम अपना सोलर और उसके साथ आपको फ्यूल दिखाया है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा सोलर का जो इन्वर्टर है ये अपना अच्छे तरीके काम कर रहा है। इसकी कैपेसिटी जो है 48 point something पे पहुँच चुकी है और ये इसका ब्रेकर लगा हुआ है साथ, कि ये तार वगैरह जो है ना पीछे से इसको लगा दी गई है और हमारा जो है ना ये 20 किलोवाट का सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। अभी आपको दिखाते हैं बाहर इसकी जो दिया गया है, अभी आपको दिखाते हैं बाहर इसकी जो है ना प्रेशर गेजर कितना है। व्यूअर्स, ये हमारा ट्यूबवेल जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये देखें, आप इसको देख सकते हैं, ये देखें कोई सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। ये भी इसके ऊपर 20 प्लेट्स लगाई हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो आगे जगह बनी हुई है इसके ऊपर 10 प्लेट्स और लगेंगी, ये टोटल 30 प्लेट इधर लगेंगी। और ये हमारा 20 किलोवाट प्लस का जो है सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। अभी जो है ना 20 प्लेट पे ये चल रहा है। ये हमारी इधर मक्की वगैरह लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये ट्यूबवेल का जो है बोर वगैरह ये देख सकते हैं आप। व्यूअर्स आपको दिखाते हैं कि सोलर प्लेट्स को कैसे वॉश किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे हम सोलर प्लेट्स को वॉश कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि अभी हमने अपनी टर्बाइन भी बंद कर दी है। अभी थोड़ी देर बाद हम उसको चला देंगे और आपको वो भी मंजर दिखाते हैं। अभी आप देख सकेंगे कि ट्यूबवेल चल जाएगा। ये आफ्टर वॉश प्लेट्स अभी चला दिया हमने। हमने वहाँ पर प्लेटें भी नहीं लगाई, तभी हमने ऐसी नहा लिया तो आज प्लेटें लगाई हैं हमने। और आज बहुत धूप है, आज मौसम खराब है। आप भी कुछ कह लें। ये देखें, आपको दिखा रहे हैं सोलर के ऊपर डस्ट जब जम जाती है तो उसको वॉश भी किया जाता है। ये देखें जैसा कि हम वॉश कर रहे हैं, मेरा क्या इसलिए जो है ना वो साफ भी किया जाता है। हर 15 दिन के बाद आप अपने सोलर को साफ किया करें ताकि उसकी कैपेसिटी आपको पूरी मिल सके। ये इसको साफ कर रहे हैं, इसके ऊपर ना काफ़ी डस्ट जम जाती है। ये देखें जैसे कि आपको आगे वाली प्लेट नज़र आ रही होगी, ये देखें इसके ऊपर काफ़ी डस्ट जमी होती है। इसका साफ़ करने का सही तरीका तो आपको यही है कि आप एक मोब लें जिसके ऊपर वो कपड़ा वगैरह लगा हो या टावल लगा हो, उसको आप अच्छे तरीके से रगड़ ठीक है, और पाइप से आप जस्ट पानी मारेंगे, पानी मारने से भी जस्ट इसकी डस्ट उतर जाएगी और वैसे जो है ये सही साफ़ नहीं होगा। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा पीछे डस्ट हमने साफ़ किया लेकिन फिर भी कपड़ दोबारा आ गई है। ये देखें आप देख सकते हैं प्लेट्स को वॉश कर दिया हमने, ये देखिए। और अभी इसको थोड़ी देर में हम चलाने लगे हैं ट्यूबवेल को। नहा रही हो आप, किस लिए आए हो? नहाने आए हो? अच्छा व्यूअर्स, ये देखिए बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये पानी वगैरह इधर से जा रहा है। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं व्लॉग में, ज़मीन का व्यू ये देख सकते हैं। ये देखें,